पिहोवा से लापता हुए तीनों बच्चे सकुशल आज घर पहुंचे। आज सुबह लगभग 4 बजे पुलिस के साथ घर पहुंचे तीनों बच्चों को। घर में पाकर बच्चों के माता पिता व आस पड़ोसी में छाया सन्नाटे का माहौल उस वक्त खुशी में तब्दील हो गया जब बच्चों के माता पिता अपने बच्चों से लिपटकर खुशी के आंसू रोने लगे। पिहोवा से तीनों बच्चे खुद बिना बताए घूमने के लिए वैष्णो देवी जा पहुंचे थे। बता दें कि 29 अक्टूबर दिन मंगलवार की देर शाम पिहोवा की 4 मरला कॉलोनी से लापता हुए तीनों बच्चों को वैष्णो देवी कटरा से बच्चों के अभिभावक व पिहोवा पुलिस बच्चों को लेने कटरा पहुंची। तीनों बच्चों को शक के आधार पर जब साइन बोर्ड के कर्मचारियों ने बच्चों से बातचीत की तो बच्चों ने सारी घटना कर्मचारियों को बता दी और कर्मचारियों ने तीनों बच्चों को अपने पास बिठाकर पुलिस को सूचना दी। जब आज सुबह बच्चों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो मंगलवार की शाम को पिहोवा बस स्टैंड से बस में सवार होकर कुरुक्षेत्र फिर करनाल व पानीपत पहुंचे। पानीपत से कटरा जाने वाली ट्रेन में बैठकर कटरा पहुंच गए और आज सुबह माहिर लक्ष्य व भविष्य को परिजन अपने बीच पाकर खुश हैं। क्या वजह है? ये लो दोस्तों, ये प्लानिंग बनी थी। हाँ, क्या प्लानिंग बनी थी? घूमने की, बिना बताए जाने की। घूमने बस। कहाँ घूमने? पहले तो कार से करनाल या कुछ उत्तर चलते हैं, फिर वहाँ से वो वहाँ चले थे कटरा। अच्छा, कैसे कैसे गए आप यहाँ घर से? कितने पैसे लेके गए? किस प्रकार से गए? क्या प्लानिंग थी? प्लानिंग तो कुछ नहीं थी, पहले मेरे पास तो 200 रुपए थे। प्लानिंग तो कुछ नहीं। गए थे कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे गए आप? पहले तो वहाँ गए कुशत्तर, कुशत्तर से फिर पिपली गए, पिपली से करनाल, फिर करनाल से पानीपत से वहाँ ट्रेन पकड़ के वहाँ जम्मू रुके, जम्मू फिर ट्रेन चेंज कर, ट्रेन से फिर कटरा गए। कटरा गए, क्या क्या आप जो इतने टाइम में कौन कौन मिले आपको बीच में? कोई लोग मिले हों कुछ? क्या क्या था? लोग तो कोई नहीं मिला था, वहाँ कटरा जाके मिले थे। कौन मिला सबसे पहले आपको? पहले तो एक सरदार से मिले थे, उन्होंने 50 रुपए दे दिए थे उसको, माहिर को। पैसे किसने मांगे? माहिर ने मांगे थे। अच्छा, फिर वो सेब ले आया था उसके, फिर उन्होंने खा लिए। ठीक है, फिर हम चढ़ाई शुरू करी थी। फिर उसने ना किसी दुकानदार से काम मांगा था। किसने? माहिर ने। उन्हें काम मांगा, फिर वो चले गए वहाँ से, तो उन्होंने कोई फोन कर दिया होगा। किसको? इंस्पेक्टर को, वहाँ के शाइनिंग शाइनिंग बोर्ड वाले इंस्पेक्टर को। फिर वहाँ से उन्होंने फोन कर दिया, फिर वो आ गए थे। उन्होंने पूछा कि तुम कैसे आए हो, कैसे नहीं, तुम कहाँ रहते हो? फिर ये बात हुई, फिर आगे उन्होंने पूछा, फिर कहते कि मैं तुम ना अभी चढ़ाई चढ़ाओ, फिर मैं तुम्हारे घर घर वालों को फोन कर दूंगा। उन्होंने नंबर पहले ही ले लिए थे सब सबके मारे। फिर ऐसे हम चल गए ऊपर, उन्होंने फोन नंबर भी दे दिया था कि ऊपर जाके फोन करा देना। फिर हम चाहे, फिर उन्होंने ना फोन नहीं करा, हमें सुला लिया अपने पास। फिर वो सुबह सुबह उठे, फिर उन्होंने सुबह उठ के फोन करवाया था हमें। तो उससे पहले 50 रुपए आपको एक सरदार दिए, बाकी पैसे किसी ने दिए? बाकी हम जब चढ़ाई चढ़ रहे थे वहाँ पे कोई लेडी मिली थी, उन्होंने दिए थे 500 रुपए दिए। किसने मांगे थे? मांगे नहीं थे वो ना, वहाँ जा रहे थे ना जब, तो एक लेडी हमारे साथ थे, चल रहे थे। बाद में हम वो आराम से चल रहे थे, हम फिर तेज चल के चल गए ऊपर जाके, फिर वीडियो बोलते हम वापस आ गए। फिर वो हमें दोबारा मिले, फिर वहाँ कोई बात हुई थी माहिर और माहिर से उनके, फिर उन्होंने दिए थे। और वो टीचर थे वहाँ किसी कहीं के, 500 रुपए दे दिए आपको। तो फिर जो उसके बाद जो बात हुई थी, पेवा किसकी बात हुई थी? उसी रात को ही बात हुई थी ना, पहली रात को ही? ये तो नहीं पता आपको, मतलब ये उनने कराया थी शायद फोन, उनके पास नंबर था ना, इंस्पेक्टर सर के पास भी था नंबर, क्या पता उन्होंने करी होगा। नहीं, जो पहले दिन जब आप गए थे, जो आप बता रहे हो कि कोई किसी से अपने फोन पे बात करवाई पेवा ने, वो किसने बात करवाई थी? पता नहीं, तो माहिर ने करवाई थी शायद। नंबर दिया था उन्होंने किसी का? कौन किसको दिया था? पता नहीं, ये किसी को दिया नंबर। तुम थे नहीं साथ में? तो फिर ये पूरी प्लानिंग जो बात हुई, उसके बाद क्या हुआ जब तुम वहाँ ऊपर चढ़े थे, वापसी आ गए? फिर वापसी आके फिर हम उनको फोन करा दिया इंस्पेक्टर सर को,
फिर वहाँ से हम उनको हमें ले गए, फिर रात का टाइम था उस टाइम 1 या 2 बजे थे, फिर उन्होंने सुला लिया, कहते सुबह उठ जाना फिर ट्रेन में चले जाना, फोन करवा दूंगा। फिर हम फोन उठे नहीं सुबह जल्दी, जब उठे फिर हमने फोन करवाया तो सबने कह दिया कि ना हम लेने आ जाएंगे, तुम ना हो कल ले। फिर ऐसे वो लेने आ गए थे। कौन कौन आए थे? पापा आए थे, मेरे पापा आए थे, मायर के पापा आए थे, 2 पुलिस वाले भी आए थे। तो जो तीसरा लड़का था उसके पापा नहीं आए? नहीं। क्या नाम उसका? लक्ष्य। अच्छा, तो फिर ये इसके अंदर जब यहाँ से गए, आपके पास पैसे 200 रुपए आपके पास थे, उनके पास कितने थे? लक्ष्य के पास शायद 500 रुपए थे, ऊपर तो वो नहीं था। जो 500 रुपए दिए उसके बाद क्या किया? जो उन्होंने लेडीज ने आपको पैसे दिए, क्या किया उसके बाद? पहले तो रोटी खाई थी उसके पास, फिर बाद में सामान ले लिया। कितने पैसे बचे उसके बाद सामान लेने के बाद? 200। सामान लेने के बाद नहीं बचे थे प्रसाद भी लिया। तो आप यहाँ से गए थे, क्यों गए थे, क्या वजह रही? वैसे ही घूमने के लिए वो कह रहे थे चलते हैं चलते हैं, फिर उस टाइम तो जोश में मैं भी चला गया। नहीं, किस वजह से बिना घर बताए आप गए? घर क्यों नहीं बताया, क्या वजह रही, किसका डर था, क्या वजह थी? वैसे ही